चैनल में आई हूँ मेहंदी लगवाने, सब कुछ क्या है आपको बताऊंगी नेक्स्ट में। तो भैया मिल गए, रेडी हो गए मेरे मेहंदी लगाना, सुंदर सी मेहंदी लगाएंगे तो आपकी देख मैं जाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं, आप लोग व्लॉग में आगे देखोगे, वैसे भी मैं टाइटल जब डालूंगी तो आप लोग समझ ही जाओगे। तो हम जा रहे हैं फाइनली घर पे दोनों, और क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। हम क्यों जा रहे हैं, कुछ स्पेशल इसलिए जा रहे हैं। और देखो मैंने मेहंदी भी लगवा ली है जाने से पहले। अभी हो गए हैं 6 बज गए और हमारी फ्लाइट है रात में 10 बजे। अभी नितेश आएंगे तो हम लिख लेंगे, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। ऑफिस तो जल्दी आए फिर हम लिख लें। हर्षित को सब कुछ समझा दिया है मैंने कि अच्छे से रहना, लाइट वाइट ऑफ कर देना, एक्स्ट्रा लाइट जल्दी नहीं चाहिए। तो हम जल्दी से जाएंगे क्योंकि लॉन्च में भी हमें जाना है। तो अभी नितेश आते फिर हम निकलते हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं। और वो जो फटाफट से अंदर घुस जाते हैं ना, कौन सी एप्लीकेशन है वो कर लेंगे। झूठ बोल रही थी, 2 मिनट में हो जाता है। उसके लिए आपके पास लगेज नहीं होने चाहिए। किसने बोला? जो उन तो हमेशा ही जाती है, उसके पास लगेज नहीं होगा क्या? कौन सा होता है वो एप्लीकेशन जो अपन देखते हैं जिसमें लाइन नहीं होती? डीजी यात्रा। आ गया कैब आ गई। सो गाइस हर्षित अच्छे से रहना, ज्यादा मस्ती वस्ती मत करना, ठीक है? ज्यादा भाई लोग को मत बुलाना रूम पे। अच्छे से, किसी ज्यादा एंटरटेन नहीं किसी को। बाय बाय, अच्छे से रहना। कितना लेट हो गए आप, लेट क्यों? सो गाइस हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। नितेश बहुत ही ज्यादा लेट, पर एक सेकंड, नितेश बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे लेकिन फाइनली आ गए। लेट हो जाएंगे ना लॉन्च में तो जा पाएंगे? मैंने एक लॉन्च में पहुंच गया लेकिन हम 6 बजे निकले तो ये ऑफिस का टाइम रहता है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है इस टाइम में। सो गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा लेट हैं। लेट्स ही देखते हैं कि लॉन्च में जा पाते हैं कि नहीं। लेकिन इतना भीड़ कहाँ भीड़ है? भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वीकेंड नहीं है, इसलिए भीड़ नहीं है। तो फटाफट चेक इन कराते हैं, ट्राई करते हैं लॉन्च में जाते हैं या नहीं। ये तो डीजी है, डीजी यात्रा वाला, ये डीजी यात्रा वाला है ना, ये नॉर्मल। चलो इधर से भेज दो ना, हम लेट हो रहे हैं। आ जाओ जल्दी। सो गाइस भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों बिल्कुल भी नहीं है, तो जल्दी से अंदर जाते हैं फिर आप लोगों को मिलते हैं। उनको बोलो कि बोर्डिंग पास निकालेंगे वही। सो गाइस चेक इन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं थी, फटाफट घुस गए। सो गाइस जल्दी से चेकिंग इस लॉन्च में जाएंगे, चेपेंगे। आधा घंटा है हमारे पास, आधे घंटे के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा बोर्डिंग। तो जाते हैं फटाफट लॉन्च में, कुछ खाएंगे अच्छा सा। क्या क्या होगा लॉन्च का एक्सेस? और गाइस मैं इनके साथ हमेशा स्कैम कर देती हूँ, वो मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताऊँगी। सुनना कि मैं लॉन्च मेरे कार्ड के बिना भी मैं चल जाती हूँ, और वो मैं बताऊँगी आपको लास्ट में कि मैं कैसे जाती हूँ। आपके में से ट्राई करूँगी। दिस इज चिकन, दिस इज ऑल्सो चिकन। जगह है, हाँ। मैंने किसी के प्लेट में पास्ता भी देखा था। राइस ले लो थोड़ा सा, हाँ ले लो थोड़ा सा ले लो। फ्रूट्स ले लो ना, ये आपने लिए के जो उधर रखती है फ्रूट्स। हमस लेना है, ये क्या है? मिल्क पुडिंग? नहीं नहीं, मैंगो वो तो है। वो मैं वो लोगों
राइस ये सब हमने ले लिया है खाने के लिए, बाद में फिले खाऊं। फटाफट जयपुर आ जाए, चलो डायरेक्ट ही अंदर। नहीं 1 बजे का है ना, हाँ 2.5 आवर तो लगेगा ना, 1 बजे पहुँचेंगे। 10 की तो 11, 12, 12.5। हाँ नहीं इसमें देखो ना यार, एक था शायद, हाँ 12, 12.5। सो गाइस ये बोल रहे थे गणित कम छोड़ रहे। अपन नितेश से पूछते हैं कि मेरी आज की मेहंदी ज़्यादा अच्छी है पीछे, तो इनको बताना पड़ेगा, बता जाओ आगे आगे की ये पूरी फूल है या ज़्यादा अच्छी है या पीछे की, एक एक बोलो, एक बोलो आगे आगे की, क्योंकि आपको फुल फुल पसंद है क्या। चलो गाइस ठीक है, आपको जयपुर एयरपोर्ट से मिलते हैं, फिर बहुत मज़ा आने वाला है, सब पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखना, आधा देख के स्किप मत करना ठीक है। कल मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हम आने के बाद गुड़िया को खिलाने लग गए थे और फिर बहुत ज़्यादा खिलाया, 2-3 घंटे उसके बाद सो गए थे। अभी गुड़िया सो रही है, मैं आपको ब्लॉग में गुड़िया को दिखाऊंगी, जब वो उठेगी रेडी वेडी हो जाएगी नहा के तब मैं दिखाऊंगी। नितेश अभी सो के उठे हैं, पूरी नींद अब इन्होंने कम्प्लीट की है, और दीक्षा ने खाना बना लिया है हमारे लिए, दीक्षा ने हमारे लिए स्पेशली बनाया है लबाबदार पनीर। यस देखते हो क्या? सब देखते हैं हम। आंटी देखती है, आंटी की भी आएगी फिर तो, है ना? आंटी आपकी भी आएगी अब। कैसा लगता है मेरा व्लॉग? बहुत अच्छा है। दीक्षा नानी इतनी खुश होती है, नानी बोलती है शिप्रा मैं तेरा एक वीडियो 10 बार देखती हूँ एक ही है। नहीं कौन सा दिखाया था आंटी को? क्या आंटी को कौन सा दिखाया था? पूरी है ना, पूरा दिखाया था मेरे पास में। दीक्षा ने चाय लाई है, गुड़िया कब उठेगी अब? 1 घंटे बाद पता नहीं। क्या बोल रही है? देना, मैंने ऑलरेडी ले लिया है तुझे, हटा देना ब्लॉग से, पसीने पसीने में हो। नहीं क्या क्या तू ऑलरेडी, अब बैठ के चाय पी ले पहले, शाम की चाय अच्छी बनाई। सो गाइस हम आए हैं WTP, ये है बैंगलोर का और जयपुर का। कालू को आ रहे हैं, कालू नहीं है वो फैट आ रहा है। सो गाइस हम आए हैं जयपुर के सबसे बड़े मॉल में WTK में, आप लोगों को अंदर दिखाऊंगी, जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है राइट। सबको थोड़ी ना पता है, बैंगलोर वालों को पता है कि जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है। तो गाइस WTC इतना बड़ा है कि हमें दारा मिली मेरा, हम जब से मिल रहे हैं कुछ तो नहीं दो पीछे था शॉप देखने नहीं ले रहे, तो इंसान कैसे लेगा, टाइम लगता है देखने में भी। ट्राई कर रहे हैं जैकेट फ्रॉम दिस साइड, पीछे बैक साइड दिखो, नाइस नाइस अच्छी है, अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा जैकेट टाइप है। कितने का है? 6000। गाइस WTP के बाहर जीजू लेने आ गए थे हमें, क्योंकि जीजू का भी ऑफिस यहाँ पे ही है। हाँ तो देखेंगे ना, मिठाई देखेंगे अंदर, वैसे डिसाइड करेंगे ना हम। हाँ किलो की तो पूछ लो, ऑफकोर्स किलो पीसेस में, पीस तो नॉर्मल पीस वाले लेंगे अपन। सो गाइस मम्मी ने मिठाई मंगाई है जयपुर से गेस्ट के, तो क्या बोलते हैं ये पीस और होंगे क्या भैया कलाकंद के? मिल जाएगा पीस चाहिए
मिल जाएगा है उनके पास तो दे दो वाइट 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 आपको वाइट 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 कलर का तो ये 60 पीस पैक कर दो कलाकंद क्यों लिया रीजन अच्छा है मुझे भी कलाकंद फेवरेट है अच्छा लगता है हमारा हो गया है पूरा रेडी बाय बाय भाभी पकड़ रखा है किसी से करवा मैं गोदी में रख रही हूँ डायपर देख रही हूँ और दीक्षा डायपर मत पीना यार इतने बिज जाते हैं बच्चे बच्चे बिज जाए तो मतलब 3 घंटे तो पहने कोको ने टॉय लगा दिया ना रात में भी नहीं पहनाती इसको इसलिए तो सबसे ढीले कपड़े पहनाए इसको मैंने बच्चों के देखो गाइस बच्चों के जब जाते हैं साथ में सामान जो पूरा डिग्गी भरी हुई है तब हम निकल रहे हैं मम्मी के घर पे मेरा तो ससुराल पियर वही है और दीक्षा जा रही है मैं आपको फेस रिवील कराऊंगी इस व्लॉग में रुकिए सो गाइस ये मेरी गुड्डी अलिया मेरी गुड्डी कालू अच्छी कालू अच्छू ये मेरी गुड्डू ये मेरी गुड्डू गुड 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 छोटा मियाँ मेरा छोटा मियाँ ये देखो मम्मी नानी के जा रही है हम निकल चुके हैं नानी के घर जा लिए अभी नहीं रुके अभी रुके हुए नानी के घर जा लिए मम्मा मम्मा सो गाइस हम यहाँ पे उतर गए खाएंगे हमारा डिनर और फिर घर के लिए जाएंगे हाईवे पे ये अच्छा है लेकिन आपको तो मोमोज खाने हैं मोमोज नहीं मोमोज ही मिलते हैं क्या मोमोज भी ले लूंगी मिलेंगे तो मिल गया कि दीजू हाँ सो गाइस ये देखिए ये पूरा सामान है क्योंकि बेबी साथ में जा रही है तो सामान हो गया है भयंकर हाँ तेरा भी 2 बैग है उसके अंदर बेबी का नाम लगा रही है बेबी सबका लेकिन बेबी का भी है वैसे कोट सेट दीक्षा के लिए बनाता हूँ हाँ ये कोट सेट दीक्षा में मस्त लग रहा है जो मैंने इसको दिया है कैसा लग रहा है लाया तो बेटा तू अपने लिए था लेकिन मैं तो ले लूंगी उससे पहनने के लिए दिया है वो अभी पहन के एंजॉय कर लेंगे फिर तो मैं ही लहूंगी ये सही किया आपने बस खेल के इसके साथ मजा आता है इसके बता रहे इसके क्या हुआ है मैं लूंगी उससे मैं सोचा कुछ अलग हो जाएगा तो पराठा मंगा लो लो सब पराठा भी सब एक एक पीस ले लो मम्मी हल्का सा स्वागत ये पकड़ो कोई बात नहीं रितेश के लगा दो पापा वेलकम कोई बात नहीं मेरा मत करो आप तो बेबी का करो बोलो सो गाइस ये वेलकम ओ माय गॉड व्हाट आर यू लव माय टीवी करके पे ओ ये क्या है बनाया ना सबका एकदम जोरदार कर रखा हेलो आगी गुड़िया अब आइए नहीं नहीं अभी नहीं खाना अभी नहीं खाना बहुत पा क्या है हेलो 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 मम्मी गजब इतना मम्मी चेंज कर दिया आप लोगों ने या मम्मी ने इतना वो लगाया है तो गाइस ये मम्मी
सो ये गाइस मम्मी ने पूरा डेकोरेशन करवाया है, ये देखिए गाइस, स्पेशली हमारी गुड़िया की आने की खुशी में नानी ने कराया है। गीला हो गया, बस ये नीचे तो वो रख दो। ये देखो यार, गुड्डू आप देख लियो क्या के वहाँ नाना नानी ने इतनी सुंदर डेकोरेशन करी, बहुत सुंदर मम्मी, बहुत सुंदर। ये तो कहती है तेरे सबन में नहीं बैठ रही थी। हाँ मैं समझ गई थी कि मम्मी को, यार मम्मी को आता नहीं है। हाँ माले वाले भैया आते हैं ना, हम यहाँ से जा रहे हैं ससुराल, अब यहाँ से बाय गुड्डू बाय कर लो ना, मोची डालिए ससुराल, बातें करती है ये। ठीक है मम्मी बाय, जाना कल देखो, कल मिलते हैं, बाय ना मम्मी, ठीक है बाय मम्मी। हाँ क्या बोल रहे हो, छूट क्या बोल रहे हो, चलो बाय ना मम्मी, बाय बेटा, ओके बाय, मेरे फोटो भेज देना। ठीक है ठीक है, फोटो भेज दूंगी मम्मी को, दीक्षा के फोटो भेज देना मेरे गुड्डी के साथ, ठीक है।